ये तंबाकू जो है वो बहुत बड़ा कुआं है, तो इससे दूर रहें तो बेटर है। सारी दुनिया देख रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग से कोई माचो नहीं हो जाता, कोई मर्द नहीं हो जाता स्मोकिंग से। मर्द आप अपने जिगर से होते हो, अपने औरतों को इज्जत दे के मर्द होते हो, आप स्मोक करके मर्द नहीं बनते। स्मोकिंग आपको छोड़ना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपको अपनी फैमिली का ध्यान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बहुत कूल फील कर रहे हैं, इट्स वेरी यू नो इन टू बी इन द ग्रुप एंड ऑल, बट यू हैव टू रियलाइज कि फाइनली जब आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, और मैं सफ़र कर चुकी हूँ बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई डैड टू कैंसर। म्यूज़िक वाकई बहुत पावरफुल शक्ति है, इस बार सिर्फ दिल को नहीं छूने वाली है बल्कि लंग्स को, थ्रोट को और सब जगह छूने वाली है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज। मैं जब तक रहूँगा, जिंदा रहूँगा, तब तक मैं हमेशा CPA को सपोर्ट करूँगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो नहीं आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वो ये कहती है कि हर 3 मर्द जो स्मोक करते हैं उसमें से एक को मर्दानगी के इश्यूज होते हैं, और वुमेन में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स। अगर आपको कभी बच्चे करने हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप तंबाकू यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो पॉसिबल है कि आपको बच्चा ना हो या हो तो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो। तो ये बहुत बड़ी डिसीजन है और लोगों को खुद अपने लिए ये डिसीजन लेना चाहिए। आई वुड जस्ट से दैट यू नो आप ज़िंदगी सिर्फ एक बार जीते, सिर्फ एक बार। हमेशा जब आप सिगरेट उठाते हो तो आपकी वही ज़िंदगी जो एक बार आप जीते हो उसको आप ख़त्म कर रहे हो।